दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको आर्थर मिलर का एक प्ले है ऑल माय सन्स। ये आर्थर मिलर का 1947 का एक बहुत ही पॉपुलर प्ले है। इस प्ले की स्टोरी बहुत ही कमाल है। दोस्तों ये तीन एक्ट का एक प्ले है जिसकी सेटिंग रखी गई है एक छोटे से टाउन में और टाइम है वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ सालों के बाद का। इस प्ले की स्टोरी को शुरू करने से पहले इसके कुछ की फैक्ट्स मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। जैसे 1946 में इस प्ले को लिखा गया, 1947 में इसको पब्लिश करवाया गया और इस टाइम का लिटरेरी पीरियड था रियलिज्म अमेरिकन ड्रामा और इस प्ले की सेटिंग यूएस में ही रखी गई है। अब मैं इस प्ले की कहानी शुरू करता हूं। इस प्ले की शुरुआत होती है जो कैलर नाम के एक आदमी से जो जिम बेलिस नाम के एक डॉक्टर के साथ अपने घर के पिछवाड़े बैठा हुआ है। घर के पिछवाड़े का मतलब घर के बैकयार्ड में बैठे हुए हैं और बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये डॉक्टर जिम बेलिस अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, तो यहाँ पे आकर के मतलब कैलर फैमिली के साथ ये टाइम पास करता है। देखिए दोस्तों ये डॉक्टर पे मत जाना, डॉक्टर तो साइड कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है मिस्टर जो कैलर। इनकी एक पत्नी है केट कैलर। इन दोनों मियाँ बीवी के दो बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं, एक लैरी और दूसरा क्रिस। ये दोनों वर्ल्ड वॉर के टाइम पर आर्मी में थे लेकिन अफसोस लैरी अब जिंदा नहीं है, वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर मारा गया। लेकिन क्रिस बच गया और ये क्रिस अभी अपने फादर जो कैलर की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जूनियर पार्टनर है। अब यहां पे मिसेस कैलर को लगता क्या है, उनको एकदम पक्का यकीन है कि उनका दूसरा बेटा अभी मरा नहीं है, यानी कि लैरी अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों मिसेस कैलर को ऐसा लगता है, क्यों यकीन है कि उनका बेटा मरा नहीं है। दरअसल इन लोगों के पड़ोसी हैं मिस्टर एंड मिसेस लूबी। ये लोग क्या है, थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र जानते हैं और ये दोनों अपने ज्योतिष ज्ञान से मिसेस कैलर को ये यकीन दिलाए बैठे हैं कि उनका बेटा अभी मरा नहीं है, उनका बेटा लैरी जो है वो अभी मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। लेकिन लैरी का भाई क्रिस ये बात जानता है कि उसका भाई 3 साल पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान प्लेन क्रैश में मारा गया था, उसकी डेथ हो चुकी है और ये बात एकदम सच है। अब दोस्तों ये लैरी जो था इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था एनी और ये बात पूरी कैलर फैमिली जानती थी, ठीक है। तो अब लैरी तो रहा नहीं, तो ये क्रिस अपने फादर जो कैलर से बोलता है कि वो अपने भाई लैरी की गर्लफ्रेंड एनी से शादी करना चाहता है, शादी का प्रपोजल रखना चाहता है जो कि अभी न्यूयॉर्क से आई है। अब मिस्टर जो को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो की पत्नी मिसेस कैलर इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगी क्योंकि उनके लिए तो उनका दूसरा बेटा लैरी अभी जिंदा है। लेकिन अगर क्रिस एनी से शादी कर लेता है तो इसका मतलब यह हुआ कि लैरी सचमुच मर चुका है, एक तरह से ये मान लेना हुआ मिसेस कैलर के लिए, तो वो तो इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी। मिसेस कैलर इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगी, वो किसी भी हालत में इस बात के लिए राजी नहीं होंगी कि उनका बेटा क्रिस उनके दूसरे बेटे लैरी की गर्लफ्रेंड एनी से शादी करे क्योंकि लैरी तो अभी मरा ही नहीं है मिसेस कैलर के लिए, बाकी दुनिया के लिए तो मर चुका है। तो अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये जो एनी है जो लैरी की गर्लफ्रेंड थी कभी, तो ये जो एनी है इसके फादर का नाम है स्टीव, जो कभी मिस्टर जो की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक एम्प्लॉय था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। तो इसने उस टाइम पर कुछ डिफेक्टिव प्लेन के पार्ट्स को अप्रूव कर दिया था जो कि उस वक्त अमेरिकन प्लेन्स में लगे थे और इसी के कारण 21 पायलट्स की जान चली गई थी। इसी की लापरवाही से प्लेन क्रैश में 21 पायलट्स की जान चली गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान और ये स्टीव एनी का फादर था, ठीक है, और ये मिस्टर जो की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था। तो इसी लापरवाही की वजह से इस स्टीव को जेल जाना पड़ा था, हालांकि अभी भी जेल में ही है, बाहर नहीं निकला है। तो ये तो जेल में है लेकिन मिस्टर जो बच गए, कंपनी तो उन्हीं की थी ना, तो मिस्टर जो बच गए। अब कैलर फैमिली के लिए प्रॉब्लम ये है कि स्टीव की बेटी एनी
भले ही ये हमारे बेटे लैरी की गर्लफ्रेंड रही हो और फिलहाल क्रिस से शादी करना चाहती हो, लेकिन कहीं ये अपने पिता के जेल जाने का बदला तो नहीं लेगी हमसे, क्योंकि ये जो भी एक्सीडेंट हुआ इसमें मिस्टर जो भी एक तरह से बराबर के जिम्मेदार थे। भाई एक तरह से कंपनी तो उन्हीं की थी, लेकिन यहां पर एनी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस क्रिस को पसंद करती हूं, उसी से शादी करना चाहती हूं। अब दोस्तों इस कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होगी, इस कैरेक्टर का नाम है जॉर्ज। ये जॉर्ज है एनी का भाई और स्टीव का बेटा। ये काफी सालों तक इन लोगों से दूर था और अब ये स्टीव के पास गया है उससे जेल में मिलने के लिए, अपने फादर से जेल में मिलने गया है। और वहां जाकर के अपने फादर स्टीव को कहता है कि मैं आज शाम ही केलर फैमिली के घर जा रहा हूं। अब यहां पे एनी को ये फिक्र सताई जा रही है कि जॉर्ज आ रहा है, मेरा भाई जॉर्ज आ रहा है यहां पे, न जाने वो यहां आकर के क्या करेगा। अब यहां पे मिसेस केलर जो केलर से कहती है कि तैयार हो जाइए, जॉर्ज आपसे सवाल पूछने आ रहा है। अब दोस्तों जॉर्ज आया गुस्से में, अब क्रिस और डॉक्टर जिम उसे शांत करने में लगे। अब जॉर्ज मिस्टर जो पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरे फादर को जेल जाना पड़ा, जबकि उनकी कुछ गलती नहीं थी और आप ही ने उन्हें डिफेक्टिव पार्ट्स को अप्रूव करने के लिए कहा था और खुद बीमारी का बहाना बना करके बैठ गए। पूरा का पूरा ब्लेम मेरे बेचारे फादर पर आ गया। हालांकि खरी खोटी सुनाकर जॉर्ज वहां से चला गया, लेकिन उसकी बहन एनी उसके पीछे पीछे भागी। अब दोस्तों मैं आपको सच्चाई बताऊं कि इस सारे डिफेक्टिव पीस के सारे कांड में, इस सारे कांड के पीछे सारा हाथ जो का ही था। जैसा कि जॉर्ज बोल करके गया, मिस्टर जो केलर ने उस दिन बीमारी का बहाना बना लिया और ये बच गए और इनका एम्प्लॉय स्टीव यानी कि जॉर्ज का फादर उस केस में फंस गया। क्रिस अपने फादर की ये बात सुनकर के भौचक्का सा रह गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके फादर ने डिफेक्टिव पार्ट्स को प्रोड्यूस किया था, बल्कि इसलिए भी, ये जानकर के भी कि स्टीव यानी कि एनी के फादर को जेल पहुंचाने के लिए इसके फादर ने झूठ भी बोला था। और वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो फॉर्च्यून इसकी कंपनी को मिला, मतलब कि बहुत फायदा हुआ वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसकी कंपनी को, और इसी चिंदी से फायदे के लिए जो केलर ने 21 जवानों की जान ले ली। क्रिस को अपने फादर की इस बात का बड़ा बुरा लगा और वो अपनी गाड़ी लेकर के ड्राइव पर निकल गया कहीं दूर। अब इस प्ले की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि अगले दिन क्रिस अपनी ड्राइव से वापस आता है अपने घर में एनी को ढूंढने। अब दोस्तों यहां पे एक लेटर सामने आएगा। कैसे सामने आएगा? कि ये जो एनी है ये मिसेस केलर को ये यकीन दिलाना चाहती है कि इनका बेटा लैरी वास्तव में मर चुका है, ताकि ये और क्रिस आपस में शादी कर सके। अब ये मिसेस केलर को एक लेटर दिखाती है जो कि लैरी ने अपनी डेथ के एक दिन पहले एनी को लिखा था, और इसमें लैरी ने लिखा था कि उसे पता चल गया है कि उसके फादर ने ही वो प्लेन के डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस किए थे, और इसी बात को लेकर के लैरी को शर्म आ रही है कि उसके साथ के 21 जवान मारे गए केवल उसके फादर जो की वजह से, और अब इसी वजह से लैरी भी सुसाइड करने जा रहा है। और ये लेटर उसने एनी को लिखा, एनी ने मिसेस केलर को ये लेटर दिया, जिसे क्रिस ने ऊंची आवाज में पढ़ा। जो ने भी इस लेटर को सुना। जो को काफी समय से ये बात का एक तरह से कंफर्ट था कि कम से कम उसकी वजह से उसके बेटे की जान नहीं गई, लेकिन जब उसने ये लेटर सुना तो उसे पता चला कि 21 सोल्जर्स उसकी वजह से तो मारे गए, लेकिन इनडायरेक्टली उसका बेटा भी उसी की वजह से मारा गया। दोस्तों यहां पे उसके बेटे के अलावा वो 21 पायलट्स भी उसके बेटे जैसे थे, तो ऑल माय सन्स, यहां पे इस प्ले का टाइटल फिट बैठ रहा है। तो अब जो केलर ने क्या किया, जो केलर ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, एक बंदूक ली, कनपट्टी पे रखी और खुद को शूट कर लिया। तो यहां पे जो केलर का किस्सा खत्म, जबकि बाहर मिसेस केलर ने अपने बेटे क्रिस और एनी को कहा कि तुम लोग यहां से कहीं दूर चले जाओ, बहुत दूर, और कहीं दूर जाकर के अपनी फैमिली बनाओ। और इसी के साथ साथ ये प्ले खत्म हो जाता है दोस्तों।